हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। देखो मेरी कैसी हालत हो रही है। अभी सुबह सुबह उठा हूँ, जिम के लिए जा रहा था। मैंने सोचा एक और वीडियो बनाऊँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस कवर करूँ आपके, जो आपने पिछली बार मुझसे पूछ रखे थे कमेंट सेक्शन में। अब मोस्टली तो क्वेश्चन है भाई आपके अराउंड सैलरी अर्निंग ये वो यहाँ पे कितना होता है। तो मैंने सोचा उससे रिलेटेड थोड़ी सी जनरल सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक आम आदमी, आम फैमिली कितना कमा लेती है यहाँ पे। खर्चे से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया कि ऑस्ट्रेलिया में कितने खर्चे होते हैं, उसका लिंक मैं इधर डालूंगा, वाला वीडियो भी जरूर जाके देखना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया में कि यार यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है इंडिया के कंपैरिजन में वो ये है कि यहाँ पे मैटर नहीं करता किस तरह की जॉब कर रहे हो, आपको जो पैसा है ना वो लगभग बड़ा सिमिलर मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो सब लोग है ना, लाइफ स्टाइल उनकी सबकी बराबर की है। आप ये घर वगैरह देखोगे सबर्ब में, इसमें कोई एकदम बड़ा महल और एक कोई छोटी झोपड़ी नहीं है, सब मीडियम लेवल पे एडजस्टेड है, ठीक है। इसलिए यहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, यहाँ पे एकदम कोई भयंकर अमीर नहीं है और एकदम कोई भयंकर गरीब नहीं है। थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे रहते ही, ऑफकोर्स अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से थोड़ी बहुत जिनकी अलग अलग सैलरी रहती है, लेकिन मेन जो है लोगों का वो है कि सबको बराबर यहाँ पे पे मिलती है, सबको बराबर लाइफ स्टाइल मिलती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप कोई कैजुअल भी जॉब करते हो, जैसे मान लो आपने कोई भयंकर स्टडी नहीं करी हुई है, PhD नहीं करा हुआ, कोई डॉक्टर नहीं बना हुआ है, या कोई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, उसके अलावा भी आपके यहाँ पे कहानी चल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रेड वगैरह वाली जॉब ले सकते हो, जैसे कुछ कारपेंटर वाली जॉब ले ली, इलेक्ट्रिशियन वाली जॉब ले ली, फ्रिज रिपेयर करने वाली जॉब ले ली, तो काफी पैसा होता है। तो यहाँ लेबर को काफी पैसा मिलता है इन कंपेरिजन इंडिया के। इंडिया में अपना लेबर चीप होता है, उनको तो कम पैसा मिलता है, यहाँ पे लेबर वाली जॉबों में काफी पैसा मिलता है। जैसे कई स्टूडेंट क्या होते हैं, ट्वेल्थ के बाद में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, फिर या ट्रेडीज का कोई सर्टिफिकेट कर लेते हैं या कोई अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, और वही काम फिर करके अपनी जिंदगी चला लेते हैं। उनको कोई स्पेशल पढ़ना नहीं है, बैचलर डिग्री नहीं करनी है, मास्टर डिग्री नहीं करनी है, कोई IT नहीं पढ़ना है, तो ऐसा भी ऐसा ऑप्शन लोग लेके चलते हैं। अब अलग अलग जॉब की अगर अपन सैलरी की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो अगर आप कोई कैजुअल जॉब यहाँ पे करते हो, कैजुअल मतलब कि बस हाँ जाना है, थोड़ा बहुत कहीं काम करना है, किसी का हाथ बटाना है, आपके पास स्पेसिफिक कोई स्किल नहीं है, जैसे मान लो किसी मैकडॉनल्ड्स वगैरह में आप काम कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हो, एज ए क्लीनर काम कर रहे हो, इस तरह की जॉब जो होती है कैजुअल, वो उसमें भी आपको लगभग आज की तारीख में $25 घंटा तो आपका बन ही जाता है। $25 घंटा मतलब दिन का $200 बन जाए, दिन का $200 मतलब वही हो गया आपका $1,000, $800 से $1,000 आपका हफ्ते का बन जा रहा है, मतलब कि $4,000 आपका महीने का बन जा रहा है। मतलब कि आप लोवेस्ट से लोवेस्ट कैजुअल भी जॉब करोगे तो आपको कम से कम $50,000 से $60,000 तो आपके साल के उस जॉब से भी बन ही जाएंगे आप, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बन जाते हैं। सस्ती से सस्ती, चीप से चीप भी जॉब करोगे तो, ठीक है। उसके अलावा यार एक टाइम पे अभी तक एवरेज जो सैलरी होती थी वो 70-80 के होती थी, एक बंदे की एवरेज सैलरी कंसिडर करी जाती थी, लेकिन आजकल मोस्टली जॉब्स में एवरेज सैलरी को जो है ना 90 से 100 के बीच में कंसिडर करी जाती। अब मैंने आपको जिस हिसाब से खर्चे का भी एक वीडियो बताया था कि एवरेज सैलरी जो अगर आपकी होती है, लेकिन आजकल खर्चे भी बहुत हैं, अगर एक बंदा इनकम कमा रहा है वो पूरी फैमिली का लुक आफ्टर कर रहा है तो फिर आपकी सेविंग नहीं होनी, लेकिन फैमिली में अगर दो मेंबर कमा रहे हैं तो आपकी थोड़ी बहुत दूसरी इनकम से सेविंग्स हो जाती है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक जनरल समझाऊं मैं यहाँ पे, अगर आप 50 या 60 हज़ार का पैकेज है आपका साल का, मतलब वो बहुत ही वो लोअर लेवल का है पैकेज, ठीक है, आप जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हो, आपने जस्ट स्टडी फिनिश करी है, यहाँ पे शुरू में थोड़ा कुछ एग्जांपल जॉब मिल जा रही है, 50-60 हज़ार की चल जाएगी शुरू में एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा मीडियम जो आपको मिलना चाहिए आज के मार्केट में यहाँ पे, 80 हज़ार के ऊपर ही मिलना चाहिए एक कोई भी प्रोफेशनल अगर आप जॉब कर रहे हो तो, ठीक है, 80 से 120 तक आप मान के चलो। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छा ही एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छी स्किल है, इसी स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी यहाँ पे $1-1.5 लाख साल के हिसाब से भी जा सकती है। और फिर अगर तुम कोई स्पेशली मैनेजमेंट पोजीशन पे हो, ठीक है, या किसी लीडिंग वाली पोजीशन पे हो, या किसी बड़ी कंपनी में काफी टाइम से कर रहे हो, तो कई लोग होते हैं जो 1.5 लाख के ऊपर 2.5 लाख तक का भी पैकेज बनाते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर वगैरह जो होते हैं उनका मान के चलो आप साल भर का उनका $2.5 लाख तो बनता ही है, जो कि हो गया 1.25 करोड़ इंडिया के हिसाब से, ठीक है। तो एवरेज लोअर सैलरी 50 से 60 हज़ार होती है। मोस्ट जो मिडिल क्लास मोस्ट जो यहाँ पर लोग फिट होते हैं वो प्रोफाइल में फिट होते हैं कि उनको मतलब 70 से लेके 120 तक की सैलरी होती है एवरेज। इधर अभी तो और ऊपर एंड पे जा रही है, पहले कम पे होती थी, 70 से लेके 120 तक आपकी नॉर्मल सैलरी होगी, 120 से ऊपर थोड़ा और अच्छा कंसिडर किया जाता है, फिर कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो 1.5-2 लाख के ऊपर भी बनाते हैं पैसा। हाँ तो भैया साथ ही साथ जो मैं भी आपको ये बता रहा था पैसे, इसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, मालूम, ठीक है। जैसे आपकी 70 हज़ार की सैलरी है, ठीक है, तो 0 से लेके 18 हज़ार तक अगर आप साल के कमा रहे तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 18 से लेके 35 साल तक आपको 20 सेंट मतलब 19% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 45 हज़ार से 120 तक कमा रहे तो 32% आपको टैक्स देना रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ 45 से 120 तक के लिए, ठीक है। फिर अगर 120 के ऊपर जो तुम कमा रहे हो उस पर आपको 37% टैक्स देना रहता है 180 तक। 180,000 के ऊपर अगर आप कमा रहे हो तो 180,000 के ऊपर जो अपनी इनकम होती है उस पर आपको 45
मतलब ऑलमोस्ट 50% ही आपका टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर वाली कमाई को। तो जो भी आप इनकम कमाते हो उस पर टैक्स भी देना पड़ता है भाइयों, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो भाइयों इस तरह से अलग अलग तरह की यहाँ पे जॉब होती है, अलग अलग तरह की इनकम होती है, अलग अलग तरह का आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। अब रही बात जॉब लगने की, काफी लोग मुझसे पूछते हैं जॉब लग जाएगी, जॉब लगाने, यार देखो इंडिया के कंपैरिजन में मार्केट यहाँ पे फिर भी काफी इजी है। अगर आप इंडिया से नए आते हो यहाँ पे और आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है तो वो शुरू में थोड़ा सा आपका चैलेंज जरूर रहेगा, जो ज्यादातर लोगों को होता है, क्योंकि आप इंडिया से यहाँ पे आते हो, यहाँ के एनवायरमेंट में थोड़ा सेटल होते हो, कंपनियों को समझते हो, लोगों का कल्चर समझते हो, थोड़ा सा अलग होता है। पर टाइम के साथ साथ आप है ना फिर अपनी फील्ड में घुस ही जाओगे। ये है कि शुरू में आपको हो सकता है थोड़ी सी कुछ कैजुअल कुछ डिफरेंट सी जॉब करना पड़ जाए जो आपकी फील्ड में नहीं होती है, बट इवेंचुअली जब आप यहाँ का कल्चर समझोगे, कंपनियों को समझोगे, अप्लाई करते रहोगे तो आपको आपकी फील्ड में भी जॉब मिल जाएगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं। पर एटलीस्ट ये है यहाँ पर कि तुम आओगे वैसे ही तो कुछ ना कुछ तो काम तुम्हारा रहता ही है, क्योंकि खर्चे तो तुम्हारे चालू हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम तुम्हारा ऐसा रहेगा ही, काम बनेगा ही कि आपका इनिशियल पीरियड वो निकल जाए जब आप सेटल हो रहे हो यहाँ। मैंने कितने ही मेरे दोस्त लोग देखे जो इंडिया से भी डायरेक्टली पीआर लेके आए, जिनको शुरू में स्ट्रगल होती थी जॉब वगैरह ढूंढने में, बट अब उनकी फील्ड में जॉब मिल गई है, घर वगैरह ले लिया, सेटल हो गए। थोड़ा सा टाइम लगता, थोड़ी सी मेहनत लगती, लेकिन वो भी आपका काम हो जाता है। अब रही बात लोगों की जो मेरे को बोल रहे हैं कि इंडिया से मैं सीधे उनको जॉब दिला के यहाँ बुला लूँ, तो ऐसा हो नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि क्या है यहाँ पे कंट्री में इनको वही लोग चाहिए जिनकी इनको ज़रूरत है। आप जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको एक्स्ट्रा तो बुलाएंगे नहीं यहाँ पे। अभी इनको ज़रूरत किन लोगों की होती है, ज़्यादातर स्किल्ड माइग्रेशन के थ्रू जो आ सकते हैं, जो सीधे इंडिया से परमानेंट रेसिडेंसी डाल सकते हैं, क्योंकि इनको किसी किसी एरिया में किसी किसी स्पेसिफिक इंजीनियर किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन की जरूरत होती है, तब ये उसके लिए ऑप्शन निकालते हैं कि आप इंडिया से डालो, भैया मेरे पास ये प्रोफेशन है, ये स्किल है, मैंने ये बैचलर डिग्री कर रखी है, मेरे पास ये पढ़ाई है यूनिवर्सिटी से और इस कंपनी का एक्सपीरियंस भी है और मैं ऑस्ट्रेलिया आके माइग्रेट होना चाहता हूँ। तो उन लोगों को ये पीआर दे देते हैं कि भाई हाँ ठीक है आपके पास ये स्किल है, आप हमारी कंट्री में आओगे और हमारी हेल्प करोगे करके, तो उन लोगों को मिल जाता है। अगर आपको सिर्फ ऐसे ही आना है कि मैं सीधे आ जाऊँ वहाँ पर और काम कर लूँ, यहाँ के डॉलर्स बना लूँ, तो वो यार वो तो हो नहीं सकता ना। विजिटर वीज़ा पे आपको वर्क काम वगैरह करना अलाउ होता नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो विजिटर तो सिर्फ घूमने के लिए होता है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं किस वीज़ा पे आऊँ। अगर अर्ली स्टेजेस पे हो लाइफ की तो स्टूडेंट पे आ जाओ, बाद वाली स्टेजेस पे हो तो देख लो आप स्किल माइग्रेशन के लिए फिट होते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करना पड़ती है। कई बार होता है ऐसा कि लाइक ना इंडिया में भी अच्छी लाइफ सेटल हो रही है तुम्हारी चल रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन आता है, वो भी पर्सनली आपको देखना पड़ता है यार कि वहाँ से आप कितना हैप्पी हो। मेरे हिसाब से तो अगर इंडिया में अच्छा काम चल रहा है, फिक्स बिजनेस है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे ऐसा है कि जो नया आ रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, लाइफ को डिफरेंट तरीके से जीना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है ट्राई करने के लिए। बाकी पूरी फैमिली को लेकर वापस यहाँ पे आके रीएडजस्ट करके वापस से नए सिरे से चालू करना, वो भी चैलेंज रहता है शुरू में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो होपफुली दोस्तों ये सारी जानकारी जान के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा ऑस्ट्रेलिया में सैलरी किस तरह की मिलती है, जॉब किस तरह से मिलती है। अभी मेरे को पता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट्स में डालो, मैं उनको सीधा रिप्लाई करूंगा और अपन उनके आंसर देंगे, ठीक है। चलो तो दोस्तों, और याद रखो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पूरा ऑस्ट्रेलिया की सारी जानकारी देता हूं मैं, ठीक है। आपको फुल ट्रेन कर दूंगा यहां आने से पहले, अगर आपका आने का मन है या ऐसे जस्ट जानकारी भी जाननी है। चलो अभी के लिए मैं बोलता हूं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अपन, बाय। हाँ तो भाई ये वॉक करते करते बात करते करते आ गए अपने जिम यहाँ पे, तो अभी मैं करता हूँ ये सेशन और अपन करेंगे बात नेक्स्ट टाइम। हेलो जनता पब्लिक, क्या हालचाल है, आ गए हम यहाँ पे हमारे क्लब में जो कि घर से पास में ही है, जहाँ पे जिम वगैरह भी होता है, स्विमिंग पूल वगैरह भी होता है और थोड़ा टेनिस कोर्ट वगैरह भी है। हमारे स्टेट का ही क्लब है, इसके लिए हमको थोड़ी फी वगैरह पे करनी रहती है, लेकिन हम यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं बस थोड़ा सा जिम लगाने आया था और इतने में मेरी बात हो रही थी एक दूसरे स्टूडेंट व्लॉगर से, अभय नारायण व्लॉग्स, और उसको मैंने कॉल किया तो बोल रहा था भैया कैचअप करते, तो मैंने बोला आ जा थोड़ा सा। तो अभी मैं जाता हूँ आगे, कंटिन्यू करता हूँ जिम, और आप लोग करना ज्वाइन मुझे जब अभय वापस आ जाए तो, ठीक है। तो ये है भाई क्लब, इधर है जिम। अभी मेरा बहुत टाइम हो गया, मैं वर्कआउट के लिए आया नहीं यहाँ पे, आंटी जी भी यहीं पे है। नमस्ते आंटी जी, क्या हाल है, सब ठीक, एक्सरसाइज चल रही है? नेहा की मम्मी भी यहीं पे एक्सरसाइज चल रही है, अभी क्लब में ही अपने। हाँ अरे वाह क्या बात है, 1.25 घंटा एक्सरसाइज चलती है आपकी, बिल्कुल फिट फाट है यार मतलब मामला। ठीक है आंटी जी, करो कंटिन्यू। ओके हाँ तो भाई ऐसा है जिम, चलो करते हैं अब एक्सरसाइज चालू, ठीक है। एकदम ज्यादा नहीं लगाना, धीरे धीरे बिल्डअप करना वापस से। हाँ भाइयों तो सेशन चल रहा है लेकिन हाफ गए कर करके। Oh,
गया भाई अभय नारायण व्लॉग्स भाई हीरो को मस्त देखो असली जिंदगी तो ये जी रहे हैं। जा क्या हाल है बहुत ही इंटेंस माहौल हो रहा है एबीसी चल रहा है बर्तन धुल रहे हैं बाओ गई मामू मामू बेबी आई लव यू बेबी अरे जाओ लेके आओ। हाँ बाबू क्या तैयारी आज वही की तैयारी वही मेरी डिमांड पे हर दो तीन दिन में एक बार लग जाता है नकली वाला रोना नहीं करना बेटा रे मामा रे मामा रे पीछे पड़े भालू क्यूटी क्यूटी बच्चा कौन है यस नो जंपिंग ऑन द बेड कौन सा डांसर है योगा चल रहा है। ये देखो भाई कीशा के फोटो आ गए थे जो फोटो शूट कर रहे थे वही देख रहे थे सब घर वाले बैठ के साथ में। विक्रम गाड़ी फ्लैट हो गई है इसकी डालूंगा मैं ये तो एक्साइटिंग चीज हो रही है हमारी दिनचर्या में भैया किसी की गाड़ी फ्लैट हो गई इसके अलावा यहाँ पे होता क्या है सब एक्सपेक्टेड होता है। जंप स्टार्ट करना सिखाते हैं आज आपको गाड़ी कैसे जंप स्टार्ट करते है। देखो लगा दिया रेड रेड मैंने भी लगा दिया ब्लैक लगा दिया ब्लैक मैंने भी लगा दिया तेरे चेहरे से चल अब तो हो जाएगा तेरा काम धंधा। इधर भी क्लीनिंग मशीन आती है ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं है ठीक है सफाई चलती रहती है। हाँ दोस्तों एक और चीज़ होती है यहाँ पे सेट की मिनिमम वेज होती है और अभी वो है यहाँ पे कि $21 कुछ आपको मिनिमम वेज मिलती है $21 ठीक है मतलब आप कोई भी जॉब करोगे इतना मिनिमम उनको पे करना ही रहेगा आपको उससे कम नहीं कर सकते लोग तो उस हिसाब से भी एवरेज मतलब खर्चा बंदे का निकल जाए इतना तो बना ही लेता है कोई भी। अब स्टूडेंट्स लोगों की बात करूं तो मैं भाई बिल्कुल स्टूडेंट्स लोगों का जो यहां पे आते हैं स्टूडेंट्स लोगों का भी खर्चा तो निकल ही जाता है लेकिन उनकी ऑफ कोर्स लिमिट होती है काम करने की तो इतना कमा सकते हैं कि खर्चा तो इजीली निकल जाए लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकालना चैलेंजिंग होता है। कई लोग कर भी लेते हैं उनके कोर्स थोड़े ईजी होते हैं उनकी जॉब्स वगैरह थोड़ा मतलब यूनी में अगर कम रिक्वायरमेंट होती है तो एक्स्ट्रा जॉब करके कुछ लोग निकाल भी लेते हैं फ़ीस ऐसा नहीं है लेकिन पूरी फीस निकालना तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा तुमको कि यहाँ पढ़ रहे हो और तुम अपना खर्चा भी निकाल रहे हो पूरी भी फीस भी निकाल ले रहे हो वो थोड़ा चैलेंज हो जाता है लेकिन कर लेते हैं कई स्टूडेंट्स लोग। मैं तो ये बोलूँगा स्टडी करने आते हो तो उस पर फोकस करो मेन पहले स्टडी फिनिश कर लो PR वगैरह का देख लो ऑप्शन उसके बाद में देखना पैसा बनाने का। दाढ़ी बढ़ती जा रही दोस्तों देख लो इसको कटवाना नहीं है जब तक कि 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते ठीक है प्लीज़ याद रखना सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है। और अभी मैं सोच रहा था Q&A भी करूँ आपके सारे क्वेश्चन आते हैं इतने सारे उनको आंसर करने के लिए वेट कर रहा था अपने 7,000 सब्सक्राइबर हो जाए के बाद में एक लाइव Q&A करूँगा ठीक है इसमें आपको अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि वो मिस आउट ना हो आपका ठीक है।